दोस्तों, आप आधुनिक भारत जैसे कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर तबाही मचाई। कुछ इस फैक्ट्स हैं जिसको हिस्ट्री को लोग सिर्फ फैक्ट्स मानते हैं, ठीक है, कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का अध्ययन है। देखिए, अब एक दूसरा एंगल है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर के अनुसार पढ़ा जाता है या फिर समझा जाता है, उसके बाद हिस्ट्री आपको बोर नहीं लगेगा या फिर बोरिंग नहीं लगेगा, ये चीजें आसान होती चले जाएंगे। देखिए, एक बात, वास्को डी गामा ने भारतीय मार्ग की खोज की, मतलब उन्होंने एक समुद्री मार्ग की खोज की जिसके माध्यम से भारत आया जाए, ठीक है, और यूरोपीय लोग धीरे धीरे आने लगे। तो अब प्रश्न उठता है, अगर हो सकता है पुर्तगाली नाविक जो थे वास्को डी गामा, अगर भारत की मार्ग को नहीं खोज पाते तो यूरोपीय लोग का आगमन नहीं होता या फिर बहुत देरी से होता, तब तक भारत की स्थिति कुछ और होती और भारत कब्जे में नहीं जा पाता। अब थोड़ा एंसेंट से एग्जाम्पल लेते हैं, वो समझाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सभी लोगों का आप देखेंगे, चाहे मेडाइवल एरा हो, भारत का विदेशों से व्यापार हमेशा से रहा ही रहा है। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, उसने समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है। भारत की खोज, उससे पहले ही भारत का अस्तित्व है और भारत, भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति विश्व के प्राचीनतम सभ्यता में मानी जाती है और जो आज भी अस्तित्व में है। माया सिविलाइजेशन, कई ऐसे सिविलाइजेशन आए और गए, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन आज भी विद्यमान है। उसके पीछे एक रीजन है कि आज हम लोग भले गणेश जी को सुबह सुबह उठकर नमस्कार करना छोड़ दिए हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ साथ गणेश जी का भी नाम रहता है। तो यही इंडियन कल्चर की एक विशेषता है कि आज भी हम लोग कितना भी महंगा महंगा गाड़ी खरीद ले, लेकिन शुरुआत नारियल को फोड़ के ही करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पर। तो व्यापार होता था, तो एंशिएंट में इटली रोम से भारत का व्यापार होता था, अच्छा खासा व्यापार होता था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप देखेंगे व्यापार के कई जगह प्रमाण मिले हैं। तो आगे जाके अरब लोग क्या करे, भारत से व्यापार करने लगे और यूरोपीय लोग को सामान बेचने लगे, ठीक है। इटली के वेनिस नगर का यात्री था मार्को पोलो, जो भारत और पूर्वी देश के भ्रमण के लिए निकला। जब यह यहां आया तो यहां की चकाचौंध और भारत की समृद्धि देख के वो काफी इंस्पायर हुआ। इंस्पायर मतलब प्रभावित हुआ। यहाँ के राजा मंदिरों में अच्छी खासी सोना रखते थे, उनका लाइफ स्टाइल काफी अच्छा था, उनके पहनने का वस्त्र, उनकी पहनी हुई मूर्तियां, राज जो ठाट पाट होता था, उससे देख के मार्को पोलो काफी इंस्पायर हुआ, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंडियन कल्चर ना वेस्टर्न कल्चर से व्यापार जरूर करता था, लेकिन उसको आज की तरह ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता था जितना आज के यूथ या फिर लड़कियां ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगी। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में एक फर्क है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में एक फर्क है, आजकल के जो नए यूथ हैं उसको मिला देते हैं, बस समझे। वेस्टर्नाइजेशन मतलब होता है सिर्फ पश्चिमीकरण की नकल करना, मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है चीजों को आधुनिक तरीके से करना। जैसे कि अब जो समझदार लोग हैं प्राचीनतम की ओर जा रहे हैं, प्राचीनता की ओर भारत जा रहा है, ठीक है। जैसे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, ठीक है, अगर उससे आप खाना बनाएंगे जिस तरह भारत की परंपरा थी, तो इंडिया में रोग होने का संभावना ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये हम लोग एडवांस चलते चले गए, ब्रेड, जैम, सॉस, इस तरह की चीजें जो प्रोसेस्ड है उनको आयुर्वेद में मना खाने से सख्त मनाही की गई, ठीक है। तो पूरी तरह से कॉपी करते नहीं थे जो अभी लोग करते हैं। तो अरब के लोग भारत से व्यापार करते थे कपड़े, और यहाँ के मलमल के ना, भारतीय मलमल के रोम की महिलाएं काफी दीवानी थी। तो जब व्यापार होने लगा तो यूरोपियन के जगह जगह कोने कोने में भारतीय वस्त्र पहुंचने लगे, वो लोग इंस्पायर हो गए। तो अब महंगे देख के आप खरीद रहे हो, तो आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद आप में भी जगेगा ना। जैसे कोई चीज महंगी मिलने लगी कि इसे सोना महंगा मिलता, तो कभी कभी दिमाग में आया कहां सोने की खान मेरे पास होती। तो ब्रिटिशों के दिमाग में या फिर यूरोपियंस के दिमाग में आया, उस समय वहां पर पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण मतलब कि एक नए सोच, एजुकेटेड वर्ग का उदय होने लगा। उसमें से कई राजा महाराजा लोग जो नाविक थे उनको भेजने लगे कि आप जाइए और मार्ग ढूंढिए, उसके लिए उन्हें काफी पेमेंट किया जाता था। तो उन्हीं में से वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे जो निकल पड़े और कालीकट पहुंच गए। कालीकट पहुंच गए तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर दी और फिर वहां से यूरोपीय लोग धीरे धीरे आने लगे, ठीक है। और सट कोलंबस जो इटली के निवासी थे वो भी निकले, लेकिन अटलांटिक ओशन में भटक गए वो, और वो कहां चले गए, वो चले गए अमेरिका। और अमेरिका को इन्हें इंडिया मान लिया, और इसीलिए अमेरिकन्स को कई बार रेड इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हिस्ट्री की शुरुआत होती है। जी, वास्को डी गामा ने सी रूट, समुद्री मार्ग का खोज किया, जिसके माध्यम से यूरोपीय नाव के माध्यम से भारत पहुंचने लगे, क्योंकि ईरान, अरब, ठीक है, इन एरिया से आने के लिए इन पर अरब का अधिकार था, तो वहां पर वो लोग अलाउ करेंगे नहीं। डेफिनेटली जिस क्षेत्र में आपका बिजनेस पर अधिकार है आप क्यों देना चाहिए।
जैसे किसी कोई बिजनेस मैं कर रहा हूँ जिसमें मेरी पकड़ है, जिसमें मैंने लंबे समय तक मेहनत किया है, और कोई आके दूर दूर से फायदा उठाना चाहे तो मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा। तो अरब वो मौका देते नहीं थे, इसीलिए यूरोपियंस को यह मजबूर किया कि वो समुद्री मार्ग को ढूंढ लिया। जब उन्होंने समुद्री मार्ग ढूंढ लिया तो व्यापार शुरू हो गया। अब जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यहाँ पे भारत में कौन कौन आए, देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांस आए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो सफल रहे वो अंग्रेज रहे। ठीक है, अंग्रेज 1600-1700 के आसपास में बंगाल एक समृद्ध राज्य के रूप में उभर चुका। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना हथियार जमाना शुरू किया, मतलब अपना पैर जमाना शुरू किया। जब इन्होंने भारत में व्यापार करना शुरू किया तो वो समझ गए कि भारतीय आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो धीरे 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 क्या आगे व्यापार करके पैसा बनाया, पैसा बनाया, फिर धीरे से हथियार मंगाना शुरू किया, भारतीय लोगों को थोड़ा सा चाय बिस्किट विस्की दे के मिलाना शुरू किया, क्योंकि विभीषण या फिर गद्दार बहुत जगह होता है, जो जैसे ना घर का भेदी लंका ढाए, हर जगह ये होता है। जैसे कि आपके पता है ना कि जब आप घर के मामले का सुझाव बाहर से लेने लगते हो तो समझिए कि आपके घर टूटने की स्थिति शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो उसी तरह से होने लगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर क्या था कि झांसी का एक अलग राज्य, अवध का एक अलग राज्य, सतारा, जौनपुर, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, जैसे कि मैं रांची हूँ तो रांची में एक अलग ही गुमान है, जैसे कि आज के क्षेत्रीय गुंडे हैं ना। ठीक है, तो एक सीमित क्षेत्र में अपने आप को अधिकार माना जाता है। तो हिस्ट्री ये सिखाता है कि राज करना है तो बड़े क्षेत्र में राज। ठीक है, मैं युवाओं को कहता हूँ गलियों में चार दोस्त बना लिए और अपने आप को शेर समझने लगते हैं, पुलिस का एक सायरन बजे तो ढूंढवा के भाग जाते हैं। तो राज करना है तो पूरे बड़े एरिया में राज करो और एक लीगल तरीके से राज करो, क्योंकि वो जब तक आप में युवापन है तब तक आप दिखाओगे, युवापन खत्म आपकी गुंडागर्दी खत्म, और कहाँ फिर वही रास्ते में रोड पे भटकते दिखाई दोगे। तो उसी तरह से भारत भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, यूनिटी का अभाव था। तो भारत क्या समृद्ध राज्य, प्राचीन राजाओं की समझदारी की वजह से भारत में अधा सोना था, समृद्धि अथा थी। ठीक है, लेकिन देखा ये लोग मूर्ख अपने आप में लड़ रहे हैं, उन्होंने मौका ढूंढ लिया और फिर यहाँ पर कब्जा जमाना शुरू हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे 200 साल में अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया। ठीक है, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि भारत को बेखबरी के दौर में ही अंग्रेजों ने जीत लिया। कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है भारत को बेखबरी के दौर में ही अंग्रेजों ने जीत लिया, क्योंकि भारतीयों को पता ही नहीं चला था कि अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल से शुरुआत करते करते वो कहां पहुंच रहे हैं और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पूरा कैप्चर कर रहे हैं। जब पूरा कैप्चर हो गया तब उन लोगों को यूनिटी का एहसास हुआ, और तब तक समय निकल चुका था। भैया जब अब समय निकल चुका था तो जितना उनको चूसना था वो तो चूसेंगे आपको। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा था कि वास्को डी गामा, अगर वास्को डी गामा सी रूट की खोज नहीं करे होते तो हो सकता है या तो ये लोग आते नहीं, या फिर बहुत लेट से आते, या फिर तब तक हम लोग समझदार हो चुके थे, हम लोग यूनाइट हो जाते। बहुत सारे संकल्पनाएं हैं, ये कल्पना पर आधारित है। तो इतिहास से डेट्स का अध्ययन नहीं है दोस्तों, कई बार छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जैसे कि दो परिवारों के बीच में लड़ाई हो रहा है और कोई आके बीच में आके मशवरा करवा देता है कि बहुत सीमित समय है, लड़ाई मत करिए, जीवन समाप्त होने वाला है, और उसी में से कोई आके आग लगा दिया, क्या क्या कि उसने हथियार निकाला और अगले परिवार के किसी का कत्ल कर दिया, तो फिर वो लड़ाई संग्राम में बदल जाएगी, उसके बाद कितने लोग काटे जाएंगे पता नहीं चलता। इसीलिए इतिहास में जो भी घटना होती है कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो बहुत बड़ा कारण होते हैं। अगर वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की होती तो आप एग्जाम्पल लगाइए। ठीक है, अगर जो लोग इंटरेस्टेड है इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं कि अगर वास्को डी गामा भारत नहीं आए होते या फिर समुद्री मार्ग का खोज नहीं की होते तो क्या भारत में अंग्रेजों का राज्य होता। ठीक है, इस पर बहुत सारे पॉइंट दे सकते हैं, अपने दिमाग का यूज करके आंसर करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।